सुपर स्टार रजनीकांत की बेटी सौंदर्या रजनीकांत उस वक्त एक बड़ी मुसीबत में फंस गई जब उनकी चलती गाड़ी ने एक ऑटो ड्राइवर को टक्कर मार दी। सूत्रों की माने तो ऑटो सड़क के किनारे पर खड़ा था, इतने में सौंदर्या की कार आई और ऑटो से टकरा गई और सौंदर्या को लगा कि मामला रफा दफा हो जाएगा, लेकिन इस ऑटो ड्राइवर ने सौंदर्या के खिलाफ केस दर्ज करने की धमकी दी है, जिससे सौंदर्या घबरा गई और आनन फानन में उन्होंने अपने जीजा धनुष को फोन करके बुला लिया। धनुष ने आकर उस ऑटो ड्राइवर को शांत करने की काफी कोशिश की, लेकिन वो जब नहीं माना तो धनुष ने उस ऑटो ड्राइवर का इलाज का जिम्मा अपने सर लिया और मुआवजा देने की बात भी कही। इसके बाद जैसे तैसे वो ऑटो ड्राइवर मान गया और केस दर्ज की मांग भी वापस ले ली। आपको बता दें कि सौंदर्या ने कोच्ची दाइया फिल्म डायरेक्ट की है। इस फिल्म में सुपरस्टार रजनीकांत के साथ दीपिका पादुकोण ने काम किया था। हालांकि फिल्म फ्लॉप रही थी। बिजनेसमैन से शादी के बाद सौंदर्या ने डायरेक्शन से ब्रेक ले लिया। सौंदर्या ने पति से तलाक के लिए साल 2016 में केस फाइल किया था। फिलहाल सौंदर्या वेलाई इल्ला पट्टाधारी 2 डायरेक्ट करने वाली है। अब हम तो यही कहेंगे कि सौंदर्या कार चलाते वक्त थोड़ा ध्यान दीजिए।